अब तक राजस्थान राजनीति के घमासान में शांत बैठे पायलट कैंप के विधायक ब्रजेंद्र ओला ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक हमने सचिन पायलट के साथ संघर्ष किया, किसानों व जनता के बीच गए और उनसे वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनेगी तो सत्ता में उनकी भी हिस्सेदारी होगी। सरकार बनने के बाद भी विधायकों के काम नहीं हो रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं की तो बात ही क्या करें। आपको बता दें कि ब्रजेंद्र होला ने विधानसभा के बजट सत्र में भी सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए थे। उन्होंने विकास कार्यों पर बोलते हुए कहा कि ओला को खाली रख दो लेकिन आम जनता को खाली मत रखो। पायलट गुट लगातार गहलोत सरकार को कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने के मुद्दे पर घेरा है। इससे पहले वेद प्रकाश सोलंकी, हेमाराम चौधरी, दीपेंद्र सिंह शेखावत, मुकेश बाकर, रामनिवास कावड़िया भी गहलोत सरकार पर सवाल उठा चुके हैं।